नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे जो कि है रेशम क्लासेस। आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल पे सारी के सारी क्वेश्चंस, यानी कि इग्नू का ऑलराउंडर चैनल, जहाँ पे आपको आपके असाइनमेंट, आपके नोट्स, उसी के साथ आपको स्पेशल एडवाइस, उसी के साथ आपको जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी यहाँ पे सुनी जाती है, कही जाती है, आपकी भी सुनी जाती है। आप कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं, उसी के साथ आपको यहाँ पे इग्नू की तरफ से जितनी भी गाइडलाइन है वो सारी यहाँ पे जानने को मिलेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री फ्री फ्री। आपको यहाँ पे असाइनमेंट डाउनलोड करने के लिए मिलता है, हाथ से लिखा हुआ असाइनमेंट आपको यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन है, हर एक सब्जेक्ट का असाइनमेंट, जिसे मैंने कभी नहीं छोड़ा। और यहाँ पे आपको बता दूँ, साइंस के जूलॉजी से लेकर आपके आर्ट्स के जितने भी सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, फिलॉसफी, या फिर जितने भी नोट्स हैं आपके, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, सारे ग्रेजुएशन टू पीजी आपको पूरा का पूरा यहाँ पे कोर्स मिलता है। तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए हमारे पास। आपके लिए कुछ और लेके आई हूँ मैं, जो आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल है। आप अगर हमारी इस ज्वाइन बटन के साथ जुड़ जाते हैं, बस मिनिमम चार्ज है 59 रुपीज़, आपको आपका क्लास का पूरा खर्चा बच जाएगा, आपका आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। आपको पता है कितनी मोटी मोटी फीस वसूलते हैं सिर्फ आपको क्लास और नोट्स देने के लिए। आप खुद जाते हैं मार्केट खरीदने के लिए, आपको नोट्स सेटिस्फाइड नहीं मिल पाते। और अगर कोई आपको लेक्चर के साथ यानी समझा के बताए, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट असाइनमेंट दे, तो आप सिर्फ 59 रुपीज़ क्या खर्च नहीं करना चाहेंगे? ज्वाइन बटन के साथ हमारे साथ जुड़ जाइए अभी। अगर आप जुड़ते हैं तो आपको मिलेगा सबसे पहले फ़ायदा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगी PDF, और जिस भी सब्जेक्ट पे, जिस भी टॉपिक पे आप चाहते हैं उस पे आपको नोट्स। तो और आप हमसे कॉल पे फ्री ऑफ कॉस्ट बात कर सकते हैं। तो नीचे लिखे हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको कॉल मी फोर के नाम से एक ऐप मिलेगा, उसे आप डाउनलोड कीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए, जो कि है रेशम क्लासेस कॉल मी फोर ऐप, वहाँ से आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। दोस्तों, आप अगर हमारे से ज्वाइन बटन के साथ जुड़ते हैं तो आपको मिलता है बहुत सारे फायदे, तो जल्दी से जुड़ जाइए। और इसी के साथ हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए, ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है सारा कुछ लिंक वहाँ पे। आज मैं आपको बताऊँगी कि इग्नू की तरफ से बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट जो है नहीं कर पाते। तो आज का जो क्वेश्चन है वो है, देखिए यहाँ पे MA का, कि पूरा का पूरा मैंने सॉल्व किया हुआ है, शांति और द्वंद अध्ययन। इसी के साथ जो MPS यानी पॉलिटिकल साइंस है सेकेंड ईयर के लिए, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, उन सारे सब्जेक्ट्स का आपका मिलेगा। लेकिन क्वेश्चंस किस तरह आते हैं, मैंने आपको यहाँ पे, मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं। इतने सारे क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये क्वेश्चन आपको उसी तरह पूछा जाए। संसदीय कूटनीति क्या है, विस्तार से बताइए। जब आप संसद के टॉपिक के बारे में पूरा जान जाओगे तो संसद से जुड़ा जो भी सवाल आपके पास आएगा आप उसे क्लियर कर सकते हो। इसीलिए सबसे पहले पढ़ने का स्मार्ट तरीका होता है, संसद के बारे में पूरा जान लीजिए, उसके बाद आप उसमें से जितना विस्तार से हो सके लिख सकते हैं। वही हम बात करें तो आज हम समझेंगे मार्क्सवाद के बारे में, कि मार्क्सवाद क्या है, और उसी की तरह आज हम बताएंगे आपको कि यह लिबरल थ्योरी क्या है। हमेशा से ये जो उदारवादी सिद्धांत, लिबरल थ्योरी कहाँ से आई, काफ़ी बार ये प्रश्न सबसे पूछे जाते हैं, आपसे भी पूछे गए होंगे। और आपको बता दूँ, ये जो प्रश्न है ये टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए मैंने चूज करके लाया है, क्योंकि हमेशा से मार्क्सवाद के बारे में सवाल पूछते हैं और एग्ज़ाम में हमेशा से इनके बारे में सवाल आता ही आता है। इस बार भी परीक्षा में ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आप लिख के ले लीजिए। आपको बता दें, इसके थ्रू आप बहुत सारे आंसर भी लिख सकते हैं, जैसे कि उदारवाद से आप क्या समझते हैं, मार्क्सवाद के इस पे बिंदु की चर्चा कीजिए, या मार्क्सवाद को या उदारवाद को जो भी लोग मानते थे उनके कारण क्या थे कि वो मार्क्सवाद इतना प्रचलित हुआ। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो कभी भी आ सकते हैं, तो आप इस चीज़ को ज़रूर से ध्यान रखिए। चलिए हम समझते हैं यहाँ पर मार्क्सवाद के बारे में। लेकिन मार्क्सवाद से क्या समझते हैं, तो मार्क्सवाद के साथ साथ हम यहाँ पे समझेंगे लिबरल थ्योरी। अब लिबरल थ्योरी जो है वो मार्क्सवाद से ही आई थी, उदारवाद की शुरुआत। यहाँ पे सबसे पहले हम सुनते हैं कि उदार सिद्धांत, क्वेश्चन है कि कुछ विचारों के विचार के संदर्भ में उदारवादी सिद्धांत पर एक लेख लिखें।
अब इस पे आपको पूरे यहाँ पे लेख लिखनी है, जिसके लिए यहाँ पे आपको मिलेंगे बहुत सारे, यानी 10 नंबर का एक प्रश्न होता है, 10 से 20 नंबर का प्रश्न होता है। उदार सिद्धांत के कई संस्करण हैं, यानी बहुत सारे यहाँ पे अलग अलग कहे तो अलग अलग पार्ट में इसको डिवाइड किया जा सका है। एडिशन अलग अलग है संस्करण, लेकिन सभी एडिशन को मिला के एक केंद्र बनाए, अगर हम सबको मिला के अलग अलग पार्ट का, सपोज यहाँ पे 4 किताबें हैं, लेकिन अगर हम उसको एक किताब में बनाते हैं तो वो किताब बनेगी स्वतंत्रता, यानी कि उदारवादी, यानी लिबरल, उदार सिद्धांत या लिबरल थ्योरी का अर्थ होता है इंडिपेंडेंसी, यानी स्वतंत्रता। हालांकि स्वतंत्रता के संदर्भ को उदार विचारों द्वारा अलग तरह से परिभाषित किया गया है। उदारवादी सिद्धांत या उदारवाद क्या है के तौर पे लेखक ने कहा है कि उदारवाद राजनीति का वो सिद्धांत है जो पहले और सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों की स्वतंत्रता पर जोर देता है। यानी इसका कहने का मतलब है कि व्यक्तियों को स्वतंत्रता पूरी तरह से देना, चाहे वो उसकी विचार बोलने की स्वतंत्रता हो, बौद्धिक स्वतंत्रता हो, कहने की स्वतंत्रता हो, हर तरह की स्वतंत्रता। वो जैसे ही कोई धरती पे पैदा होता है, जैसे वो पूरी तरह आज़ाद होता है, उसी तरह वो पूरी ज़िंदगी अपनी विचारों, किसी और के विचारों के अधीन ना रहे और वो पूरी तरह से आज़ाद रहे। उदारवाद सिद्धांत यही है। अब उदारवाद सिद्धांत कहाँ से हुआ, क्यों, कैसे हुआ, उसकी दिशाओं के बारे में, हम कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ, उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। तो उदार का सिद्धांत जो मेनली आया वो व्यक्तिवाद और उपयोगितावाद, व्यक्तिवाद पर ध्यान केंद्रित किया गया एक तर्कसंगत प्राणी के रूप में व्यक्ति पर है। इसके लिए आवश्यक है कि व्यक्ति की गरिमा, स्वतंत्रता, अस्तित्व और निर्णय, सार्वजनिक नीति और निर्णय लेते समय पूर्ण मान्यता जी जानी चाहिए। जॉन लोके और एडम स्मिथ व्यक्तिवाद के शुरुआती प्रतिपादक थे। दूसरी ओर उपयोगितावाद की सबसे बड़ी खुशी है, सबसे बड़ी संख्या जहां ये बहुमत संख्या बलिदान प्राप्त करते हैं। लिबरल थ्योरी के बारे में कहें तो लिबरल थ्योरी विरोधियों में जॉन लोके, एडम स्मिथ और जेरेमी बेथन शामिल थे। 1882 ये सारी उनकी डेट है, पर डेट है। लोके के उदारवाद के पिता के रूप में जाना जाता है। अब लोके को ये क्वेश्चन काफ़ी बार आता है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस में भी कि उदारवाद का पिता किसे कहते हैं, तो उदारवाद का जो पिता है वो लोके को कहा जाता है। ये लिबरल थ्योरी का विचार उन्हीं पे आया। यहाँ लिबरल थ्योरी का अर्थ है कि सबके कल्याण को बढ़ावा देना, राज्य गतिविधि के विस्तार के लिए अनुरोध करने के लिए सबको एक दृष्टि से देखना, यानी उदारवाद का शॉर्ट कहे तो सबको इंडिपेंडेंस देना और यहाँ पे कोई भी यहाँ पे नेगेटिविटी नहीं रखना किसी भी इंसान के लिए, किसी भी पार्टी के लिए। आप किसी का विरोध कर सकते हैं, किसी लोगों के विचारों का विरोध कर सकते हैं। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि 18वीं शताब्दी से के बीच में जब जिस समय को कहा जाता है औपनिवेशवाद, या फिर अगर हम उद्योगीकरण का औपनिवेशवाद का समय कहा जाता है, जहाँ पे अब शहर बसने लगे थे, उसी के साथ साथ ही रूसी क्रांति, चीनी क्रांति का जो इफेक्ट दिखा, उसके बाद से लोग अब किसी के विचारों के अधीन न रह के अपने विचार पेश करने लगे थे, सबको आज़ादी चाहिए था। उस समय सरकार के खिलाफ बोलने पर काफ़ी जो है, तब तो सरकार नहीं होती थी यानी राजतंत्र होता था, तो इस वजह से ये उदारवाद की जो थ्योरी है वहीं से आई। जैसे हमारे यहाँ पे आज़ादी की जो चिंगारी जिस तरह से निकली, वो गुलामी होती है तभी आज़ादी की मांग होती है, तो जैसे ही गुलामी हुई वैसे ही आज़ाद होने के लिए सब यहाँ पे एक विचार प्रस्तावित करने लगे। उसी तरह लिबरल थ्योरी भी है। मार्क्सवाद के बारे में अगर हम बात करें तो मार्क्सवाद से क्या समझते हैं, तो मार्क्सवाद एक जर्मन दार्शनिक जो थे, जो कार्ल मार्क्स के नाम से जाने जाते थे, और इनका मतलब था विशेष रूप से मार्क्स के विचार। ये इतने फेमस क्यों थे, इनका कारण है मार्क्सवादी जन्म दर्शन से पहले मौजूद था कार्ल मार्क्स। यही कारण है कि जैसे कि आपको पता है कार्ल मार्क्स के समय का जो समय था उससे पहले भी अस्तित्व में मार्क्सवाद था,
लेकिन इसकी शुरुआत समाजवादी विचारकों के रूप में जाना जाता था, यानी जो समाज से निकला हुआ विचार है, एक समाजवादी सोशलिस्ट है, उसका थ्योरी है। लेकिन मार्क्सवाद एक ऐसी थ्योरी है जो जो निकली है पूरी वो जो एक विचार, एक यहाँ पे क्या कहते हैं, एक अगर कहा जाए तो दोनों के बीच में, यहाँ पे शोषण और आज़ादी के बीच में एक पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है। यहाँ तानाशाह से छुटकारा दिलाया मार्क्सवाद की थ्योरी को, और मार्क्सवाद की थ्योरी को अभी भी पूरी दुनिया में फॉलो किया जाता है, तो इसीलिए इनको इतना महान कहा जाता है। एक वर्गहीन और शोषण कम समाज की स्थापना के लिए उन्होंने ये पूरा काम किया था, यानी कोई भेदभाव नहीं हो, किसी का शोषण नहीं हो। एक समय था जब बड़े लोगों द्वारा छोटों का शोषण किया जाता था, तो इस वजह से ये पूरी थ्योरी और मार्क्सवाद का पूरा यहाँ पे सिस्टम थ्योरी दिया गया। हालांकि ये एक सोशियोलॉजिस्ट की तरह थे, लेकिन राजनीतिक में और समाज में दोनों समाज से जुड़ा हुआ अंग है, इसलिए दोनों एक ही है और सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी कि समाजशास्त्र और पॉलिटिकल साइंस, समाज से ही पॉलिटिकल साइंस निकला है और उसी से ये पूरी सिस्टम ही बनी है। तो इसी तरह आज मैंने आपको समझाया दो थ्योरी, लिबरल थ्योरी क्या है और उसी के साथ कार्ल मार्क्स। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पूरी तरह से समझ आया होगा। अब मैं आपको यहाँ पे ये जो पूरा नोट्स है वो आप लिख सकते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो फिर आपको ज्वाइन बटन पे ज्वाइन करना होगा। आप ज्वाइन बटन पे ज्वाइन करोगे तो आपको यहाँ पे पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट और तुरंत आपको ये पूरा पीडीएफ मिल जाएगा ईमेल के थ्रू। तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ ज्वाइन बटन को ज्वाइन कीजिए, और अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट चाहते हैं तो आपको वीडियो पॉज करके लिखना होगा। तो अगर आप लिखना चाहते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट लिख लीजिए, मैं आपकी हर मुमकिन कोशिश करना मदद करना चाहती हूँ, तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, चैनल को अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। ये नोट्स आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी भी कर रहे हैं तो उसके लिए भी काफ़ी उपयोगी है। इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।